व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ अमित एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेल, इससे पहले मैंने बहुत सारा ट्यूटोरियल डाला है पेंसिल में, पेंसिल सेटिंग में, चारकोल पेंसिल में, वाटर कलर में भी एक दो डाला है, बट आज का टॉपिक मैंने जो चूज़ करा है वो है ह्यूमन फिगर्स, राइट। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो एंड अगर आप आर्ट एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा कि ह्यूमन फिगर्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ह्यूमन फिगर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉडी प्रोपोर्शंस को समझते हैं। जैसे अगर एक बॉडी है तो उसको कितना पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप एक हेड भी बनाते हो, खाली फेस बनाते हो, तो फेस को कितना पार्ट में डिवाइड करते हो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप बेटर कर पाओगे ड्राइंग में। तो हम लोग देखते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा पोजिशन जो है प्रोपोर्शंस को अगर डिवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आइज़ का होना चाहिए, नोज़ का होना चाहिए, एंड पूरा बॉडी को भी हम लोग एक बार यू नो डिवाइड करके उसको समझेंगे। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं ये वीडियो कैसा होता है, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा अगर आपने वो चैनल पर, तो एंड अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हो जो आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड प्लीज़ keep watching this video. सो एज यू कैन सी, ये एक प्लेन आइवरी शीट है एंड मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एच बी पेंसिल का ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली हमें ड्रॉ करना है एंड देन उसे 7.5 मार्ट में डिवाइड करना है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, जस्ट इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। सो अभी मैं 7.5 डॉट्स यानी 8.5 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी 7.5 पार्ट में हो जाए, एंड जैसे ही वो डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा लाइन को वाइट करूँगा। एंड पूरा प्रोसेस करने के लिए मैं अभी एच पी पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बस देखना है कि आप किस लेवल पे हो, आप किस लेवल पे ड्रॉ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ उसे। तो अभी मैं कुछ स्ट्राइप्स हॉरिजॉन्टली खींच रहा हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में इजी हो। अब मैं 1x1 हेड ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली अगर कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट है तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा दैट हेड क्या होता है। तो आप अकॉर्डिंगली जितना भी यू नो मेरे जैसे 7 है तो मैं इसको 7.5 में डिवाइड कर रहा हूँ, 7 हेड्स आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं सेकंड स्टेप में दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे ये पहला स्टेप था जिसमें मैंने खाली मेंशन किया, अब दूसरा स्टेप में मैं सर्कल बना रहा हूँ यानी 7.5 हेड्स में बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स बनाने के बाद एंड नीचे वाला जो हेड है उसको मैं हाफ ही शो कर रहा हूँ, बिकॉज पूरा बॉडी जो है वो 7.5 हेड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हो तो हेड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, और अगर आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हो तो आप खाली लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन एक यू नो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब हम लोग ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़, बिकॉज उससे हम लोग क्या होना कि मिस्टेक होने का चांस जो है वो बहुत कम होता है। तो अभी मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ कर रहा हूँ एक रोबोटिक वे से कंप्लीट करने के लिए स्केच को, ठीक है। उसके बाद मैं कंप्लीट करूँगा थोड़ा सा डार्कर पेंसिल से। अभी मैं एच बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ उसे कंप्लीट करने के लिए। आपके पास जो भी पेंसिल मटेरियल जो भी अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो, पेपर्स भी आप इवन जितना भी GSM का पेपर्स आपके पास है, चाहे आपके पास जेरोक्स पेपर है, चाहे आपके पास आइवरी शीट है, कार्ट्रिज पेपर है, वट एवर थिंग्स आर अवेलेबल आप उससे यूज़ करो। एंड जस्ट आपको समझना है कि प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेप ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। एंड अभी मैं थोड़ा सा मसल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको मैं ओवरलैप करूँगा एंड डार्कर पेंसिल का यूज़ करके मैं उसे थोड़ा सा डेप्थ ऐड करूँगा उसमें, ठीक है। ये मैं चेस्ट का पोर्शन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एंड बस इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे 4B पेंसिल लिया है, ठीक है, एंड 4B पेंसिल से मैं थोड़ा सा शेप को डार्क कर रहा हूँ, फेस में अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बॉडी प्रोपोर्शंस वाले आपको समझना है, ठीक है।
तो लाइक दिस आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है, एंड इसके बाद मैं साइड वाला स्टेप भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो लेट्स एंजॉय द प्रोसेस, एंड ये अगर पसंद आया प्रोसेस तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।